हेलो दोस्तों, आपके चैनल परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। अभी हम यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर करा रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, आपको पता चला होगा, जिनको भी पेपर मिला है, जिस भी माध्यम से मिला है, वो आपको व्हाट्सएप पे मिला हो या आपको फेसबुक पे मिला हो या आपको किसी अन्य माध्यम से मिला हो, आपको पता चल गया होगा कि इस पेपर का जो सोल्यूशन है, जो आंसर की है, वो हम आपके सामने लेके आए हैं। सोल्यूशन आपका वीडियो के मोड से दिया जाएगा ताकि आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, उसके पीछे ट्रिक्स क्या हैं वो समझ में आए और आप कहाँ पे अपना समय बचा सकते हो, क्योंकि आजकल के एग्जाम में आपको समय बचाना, समय के अंदर क्वेश्चन करना, वो भी एक्यूरेसी के साथ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए होंगे, आपके स्कोर भी अच्छे होंगे। जिन बच्चों को आंसर की नहीं मिल पाई है, उनको लिए हम आपको वीडियो लेके आए हैं, जहां से आप उसका सोल्यूशन देख पाओगे और आंसर की अपना मैच कर पाओगे। तो एक बार हम शुरुआत करते हैं। मैथ का पोर्शन मैं आपके सामने लेके आया हूं और मैथ का सोल्यूशन मैं दूंगा जो कि आपके पेपर में 101 से स्टार्ट हुआ था। तो हम एक बार क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर देखते चलेंगे कि उसके पीछे का सोल्यूशन क्या है, क्या है उसके पीछे कॉन्सेप्ट। अगर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे और आप कैसे एकदम एक्यूरेसी के साथ अपना मार्क सिक्योर कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3500 की धनराशि क्या होगी। 3500 की धनराशि जो आपका ब्याज पे देने वाला रुपया है या मूलधन उसे बोलते हैं, वो कितना है, 3500 है, और आप ये 20% के रेट से दे रहे हो, 3 साल के लिए दे रहे हो। तो अगर 1 साल का 20% है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 60% हम समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60%, मतलब कि इस 3500 की धनराशि पे कुल 60% उसको ब्याज के रूप में मिलने वाला है। एक बात हम जानते हैं कि कोई भी चीज मूलधन हो या प्रॉफिट लॉस की चैप्टर से रिलेट करें इसे, तो कोई भी सीपी अपना क्या होता है, 100% होता है। तो अगर कोई चीज 100% पहले से है और इस पे इसको 60% का फायदा हो गया है, तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा, 160%। तो एक बार हम कंपैरिजन लगाते हैं कि जब मूलधन था वो 100% था, वो 3500 के बराबर है, तो फायदा होने के बाद, मतलब कि 60% का ब्याज मिलने के बाद, ये धनराशि 160% हो जाएगी। तो 160% हो जाएगा 3500 × 100 × 160, यानी कि 5600। तो अगर आप अपने पेपर में देखे होंगे तो 5600 आपके किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं था, तो उसके लिए एक चौथा ऑप्शन दिया हुआ था, नन ऑफ दीज, और इसीलिए आपसे इसको नन ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन डी आपको टिक करना था। इसका जो सही उत्तर होगा वो 5600 होगा। तो हम एक बार दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे ही सारे पेपर के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। हम आपके सामने कम से कम 10 पेपर लेके आएंगे जो आपको मिलते रहेंगे, और आपको पेपर पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे भी आपको पेपर अपलोड होते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको पेपर मिलता रहे और आपकी तैयारी आगे बढ़ती रहे। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 102 है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, 80 पेन 140 रुपए में बेचकर किसी दुकानदार को 30% का घाटा होता है, तो 104 रुपए में वह कितने पेन बेचे कि उसे 30% का हो। दोस्तों, अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन की खूबसूरती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम इधर देख रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी में जैसे देख रहे हो, वीडियो का पेपर देखें, उसमें रीजनिंग का आप लैंग्वेज देखें, या आप अभी 19 तारीख को टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर हुआ जिसमें एग्रीकल्चर वाला था, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन देखिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर रहा है। ऐसे में हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, और हम उस हिसाब से सोल्यूशन का लगाएंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 80 पेन 140 रुपए में बेचकर, मैं इसे मिटाल दूं, हाँ, 80 पेन 140 रुपए में बेचकर, पेन कितनी है आप ध्यान दीजिएगा, टोटल जो पेन है वो 80 है और जो इसे 140 में बेचा जा रहा है, 140 में बेचा जा रहा है, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि जो इसका विक्रय मूल्य है यानी कि जो एसपी है वो कितना है, 140 है। कितनी की? 80 पेन की। फिर आगे लाइन में कह रहा है कि
30% का घाटा होता है। जब 80 पेन 140 में बेचता है तो उसे 30% का घाटा होता है। तो एक बात आप समझे होगे प्रॉफिट लॉस में कि जब फायदा होता है तब 100% में वो चीज जुड़ जाती है और जब घाटा होता है तो 100% से वो वैल्यू आती है नीचे आती है। तो 30% का घाटा हुआ, 100% से 30% घटेगा तो बचेगा 70%। तो मैं सीधा बोल सकता हूं जो हमारा विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 70% के बराबर है। क्वेश्चन की अगली लाइन अगर देखें तो कह रहा है वो कितने रुपए में, सॉरी कितने पेन 104 रुपए में बेचे कि उसको 30% का फायदा हो। अभी हम सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। ये 70% है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 70% बराबर 140, 70% लॉस हो रहा है तो यही तो उसकी एसपी होगी, एसपी बराबर 140। तो जब उसको 30% का फायदा होगा तो एसपी कितनी हो जाएगी, 130%, क्योंकि इस बार 30% 100% में जुड़ जाएगा। तो आपको 70% बराबर 140 है, 130% निकालना है तो हो जाएगा 140 बटे 70 गुणे 130। दोस्तों ये हमारा कंपैरिजन का तरीका होता है जिसमें ये साइन बताती है कि 70% 140 के बराबर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि है, ये कंपैरिजन कर रहा है। तो 130% किसके बराबर होगा, तो 140 बटे 70 गुण 130 यानी ये दो बार जाएगा, ये हो जाएगा 260 रुपए। एक बात समझिएगा, ये जो 260 रुपए आया है, 260 रुपए आपका 80 पेन का विक्रय मूल्य आया है तब जब उसको 30% का फायदा चाहिए। तो उसको जब 30% का फायदा चाहिए 80 पेन पे, तो 80 पेन का विक्रय मूल्य 260 रुपए, या मैं ऐसे बोल सकता हूं 260 रुपए में वो 80 पेन बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाह रहा है, क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि वो 104 रुपए में कितनी पेन बेचेगा। तो 260 में 80 पेन, तो 104 रुपए में क्या हो जाएगा, 80 बटे 260 गुणे 104। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। इसे आप कट करेंगे, ये 0-0 जाएगा, 26 आपका 4 बार जाएगा, तो 8 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 32 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, ठीक है। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो तुरंत ही आपको पहले लाइन में समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का है और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लगा है वो मैन डेज का है। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं मैन डेज क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसे लगते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों की कितनी महिलाओं द्वारा मदद करनी चाहिए। अभी क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान दें तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं एक बार कि ऐसे क्वेश्चन कैसे लगते हैं और एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके लगाने का क्या तरीका होना चाहिए। दोस्तों मैन डेज का ये कॉन्सेप्ट है, मैन डेज के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लगेगा जिसमें अगर आदमियों की संख्या और दिन की संख्या आपस में गुणा कर दिया जाए तो हमें कुल कितना कार्य किया जाना है ये पता चल जाता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, बोले 6 पुरुष, पुरुष को हम मेन से डिनोट कर रहे हैं एम से, ठीक है, और 9 महिलाएं, महिलाओं को वुमेन से यानी कि W से डिनोट कर रहे हैं। तो 6 पुरुष और 9 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो ये देखो दोस्तों ये नंबर ऑफ मेन है, आदमियों या लोगों की संख्या, और उसका अगर कितने दिन में वो कार्य कर पा रहे हैं इसे गुणा कर दें तो कुल कार्य पता चल जाता है। फिर अगली लाइन में कह रहे हैं जबकि 5 पुरुष और 4 महिलाएं, 5 पुरुष और 4 महिलाएं इसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक, कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो अभी देखो यहां पे भी वही सीन हो रहा है, यहां पे भी लोगों की संख्या और उनके समय की संख्या समय से गुणा हो रहा है, तो दोनों तरफ कार्य है और कार्य तो दोनों तरफ उसी कार्य की बात कर रहा है, इसलिए हम बीच में क्या लगा देंगे, इक्वलिटी लगा देंगे। तो अब हम इससे हमें मिलेगा क्या, जो इससे हमें मिलने वाली चीज है वो ये है कि आदमियों के
और औरतों के कार्य क्षमता का एक रिलेशन मिलेगा, एक रेशियो मिलेगा। देखते हैं कैसे। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 5 × 10 और ये 5 × 15। अभी इसे करें तो ये हो जाएगा 12m + 18w बराबर 15m + 12w। ठीक, अभी हम इसको चेंज करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 12 को उधर लाऊं तो 18 में से जाएगा तो 6 बचेगा, और 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 आदमी = 2 औरत। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना काम एक आदमी करेगा उतना काम करने के लिए 2 औरतों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी देखो इससे हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे निकलेगा। वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों को कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी या कितनी महिलाओं द्वारा मदद करनी पड़ेगी। तो अभी भी काम वही है तो फिर से हमें वेंडिज लगाना पड़ेगा। अभी देखिए, अगर 1m = 2w है तो हमें किसी में रख दूं तो मुझे कुल कार्य पता चल जाएगा। भाई देखो, अगर 1m = 2w तो 6m = 6×12w, तो मैं इसमें रखता हूँ, यानी कि 12w + 9w ये कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक, वो पूछना चाह रहे हैं कि 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों को, तो 4 पुरुष यानी कि कितनी औरतें, 4 × 8 8 औरतें प्लस कुछ कितनी मदद करें, हम उसे मान लेते हैं x औरतें मदद कर रहे हैं, और ये कितने दिन में कर लें, 7 दिन में कर लें। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार करके देख लें, 120w + 90w = 8×56w + 7x। ठीक, ये दोनों वैसे भी जुड़ जाएगा 21। हम इसे और सिंप्लीफाई यहीं पे कर सकते थे, अगर इसे 12 और 9 जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 21w × 10 = 8w + x। थोड़ा कैलकुलेशन अपना आसान करना है तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 21, है ना। देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो इधर है 30w, इधर है 8w + x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 औरतें। यानी कि कितनी मदद करनी चाहिए, 22 औरतें उसके मदद के लिए आनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बी 22 फिर से सही हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार जो क्वेश्चन है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ते रहिए, मैं भी क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, इन स्टेशनों में समानांतर पटरियों पर 2 ट्रेन एक दूसरी की ओर प्रारंभ करती हैं, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी उनके चलने के 2 घंटों के पश्चात 170 किलोमीटर हो तो प्रत्येक ट्रेन की गति ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अक्सर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक बार देखते हैं कि क्या है, मैं इसे मिटा दूं, फिर देखते हैं एकदम डायग्राम बना के देखेंगे और समझेंगे कि क्या है इस क्वेश्चन के लगाने का तरीका। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 104 है, टाइम स्पीड डिस्टेंस इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है इसका। बोल रहा है कि 2 स्टेशन, मैं मान लेता हूँ कि स्टेशन ए है और ये स्टेशन क्या है, बी है, इसके बीच की जो दूरी बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 400 किलोमीटर है। फिर बोल रहा है कि यहाँ से एक ट्रेन चलती है और एक ट्रेन यहां से चलती है। ठीक, देखो क्या बोला, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, इन स्टेशनों समांतर पटरियों पर 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर प्रारंभ करती हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, टोटल डिस्टेंस चलना है 400 किलोमीटर। फिर इसमें एक कंडीशन और दे रहा है कि मान लो ये ट्रेन ए है, ये बी है, तो एक की स्पीड दूसरे की स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, मतलब कि दोनों के बीच में स्पीड का जो अंतर है वो 5 की है। अब फिर बोल रहा है अगले लाइन में, बोल रहा है कि यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी उनके चलने के 2 घंटों के पश्चात 170 किलोमीटर हो, मतलब कि जब वो 2 घंटे, ये इधर से जा रही है इधर से आ रही है, 2 घंटे बाद जब देखा जाता है तो भाई हो सकता है ये यहाँ पे पहुंच गई हो और ये यहाँ पे पहुंच गई हो, तो इनके बीच की जो दूरी बची है ये केवल 170 किलोमीटर बची है। तो एक बात आप समझना,
टोटल 400 किलोमीटर था, अब दूरी 170 किलोमीटर बची है, मतलब दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर कर लिए, वो 400 माइनस 170 यानी कि 230 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए हैं। अब बात ये उठता है कि ये 230 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रेवल किए हैं, कितने में, 2 घंटे में, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा 230 बटे 2 यानी कि 115 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 115 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है ये कुछ और नहीं, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड है। आप जानते हो कि जब दो चीजें आपस की तरफ एक दूसरे की तरफ आते हैं तो दोनों स्पीड जुड़ जाते हैं, तो अगर इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी की बात करें तो दोनों मिलके कितना है 115 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में दे रखा है कि एक का दूसरे से 5 का अंतर है, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली ज्यादा तेज चल रही है, तो ऐसे माइनस एस बी बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो जो मेरा उत्तर आएगा, एक बार देख लें, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2SA बराबर 120, तो SA बराबर हो जाएगा 60। अभी देखिए जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ के आगे फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि दोनों 115 होंगे, अंतर 5 होंगे, आप ऑप्शन से मैच कर लो। ऑप्शन पहला है 55 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर, दोनों को जोड़िए तो 115 देगा और अंतर 5 का है, बाकी किसी भी ऑप्शन में दोनों को जोड़ के 115 नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम जहां पे भी समय बचा सकते हैं वहां पे अपना समय बचाएंगे, थोड़ा सा भी अगर हमारा दिमाग लग सकता है जिसमें हमारी कैलकुलेशन बच सकती है तो वहां पे हम तुरंत अपना ट्रिक लगा जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैथ्स सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर मैथ्स सब्जेक्ट में जो गो थ्रू ऑप्शन होता है, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं, ऐसे 60% क्वेश्चन होते हैं जो आपके ऑप्शन देख के क्वेश्चन को लगा सकते हो। हालांकि ये कला हमें सीखनी है, और हर पेपर में मैं आपको क्वेश्चन सेट करके देता रहूंगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको देता रहूंगा, आपको बस हमारे साथ बने रहना है और सीखना है कि कैसे हम गो थ्रू ऑप्शन से क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, और यकीन मानिए कि ये तरीका आपके सिलेक्शन दिलाने में सबसे आगे ले जाएगा। तो हम खैर इस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 104, इसका जो उत्तर था 55 किलोमीटर एक ट्रेन का स्पीड, 60 किलोमीटर दूसरी ट्रेन का स्पीड, और इसका जो ऑप्शन था वो था ए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे बहुत अच्छे से देखते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा 10 घंटे में पूर्ण कर सकती है, यदि इतनी ही दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। इस बार स्पीड टाइम डिस्टेंस का बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया, और उम्मीद है कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगा लिए होंगे। जो नहीं लगा पाए या जिनसे कोई गलती हुई होगी, अक्सर होता है कि कैलकुलेशन करते समय या एग्जाम टेम्परामेंट में, क्योंकि हमारे पास समय एक निर्धारित होता है, निर्धारित समय में क्वेश्चन को करना एक चुनौती हो जाता है, तो एक बार देखते हैं, आसान आसान क्वेश्चन भी अक्सर गलत हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरा करती है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल है स्पीड, टाइम कितना ले रहा है 10 घंटे ले रहा है, ये इसका टाइम है। तो आप जानते हो कि स्पीड का और टाइम का गुणा कर दिया जाए तो हमारा क्या मिल जाता है, दूरी मिल जाता है, डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा 56 × 10 यानी कि 560 किलोमीटर दूरी है। फिर ये कह रहा है कि इसी दूरी को, यदि इतनी ही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो गति क्या होनी चाहिए, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है आपका 560, टाइम है आपका 8 घंटे, यानी कि कितना होना चाहिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा समय जाएगा तो आपको रीजनिंग का भी सोल्यूशन देखना है, आपको जीएस का भी सोल्यूशन देखना है, लेकिन आप थोड़ा धैर्य बना के सारे सोल्यूशन को, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय जब आपके एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा टाइम ना बचे,
जब आपकी तैयारी पहले से हो तो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपका पेपर, और पेपर की एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे होते हैं केवल पेपर लगा लेते हैं, आंसर क्या आ गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। फ़ायदा तब मिलेगा जब आप उसको एनालिसिस करोगे कि कौन सा क्वेश्चन में हम कितना समय बचा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन सा पोर्शन आपका अच्छा है, कौन सा पोर्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारी बात आपको पता चलती रहेगी, इसी चैनल पे पता चलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं किए हूँ अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 106 पे देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। कह रहा है पाइप एक्स और वाई साथ साथ कार्य करते हुए एक खाली टैंक को 15 घंटे में भर देते हैं। जेड खाली करने का पाइप है, यदि एक्स और वाई द्वारा एक साथ खाली टैंक को भरने में लगने वाले समय की तुलना में एक्स वाई जेड एक साथ 25% अधिक समय लेते हैं, तब अकेला जेड पाइप पूरे भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा देर के लिए है, आप क्वेश्चन अपने आप से एक बार पढ़ लीजिए। जो बच्चे पेपर में इस क्वेश्चन को लगा लिए हों बहुत अच्छा है, एक बार तरीका देखते हैं कि कैसे लगता है। हमें कुछ नया तरीका सीखने को मिलेगा, ऐसा तरीका सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। देखते हैं तरीका सीखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। बोल रहा है कि दो पाइप हैं, पाइप एक्स और वाई, दो पाइप हैं एक्स और वाई, एक साथ किसी खाली टैंक को 15 घंटे में भर देते हैं, ये 15 घंटे में भर देते हैं। फिर आगे लाइन कर रहा है कि एक पाइप और है जो जेड है, जो खाली करने का पाइप है, मतलब टैंक से पानी को निकालता है। तो ये बोल रहा है कि अगर जेड भी इन दोनों के साथ खोल दिया जाए तो एक भरे टैंक को, टैंक है और वो भरा हुआ है और तीनों पाइप एक साथ लगे हुए हैं, तो तीनों मिलके जो टाइम लेंगे खाली करने के लिए वो इस टाइम का 25% ज्यादा है। तो अभी देखिए यहां पे 15 घंटा ले रहा है और x प्लस वाई प्लस जेड एक साथ काम कर रहे हैं तो इसका 25% ज्यादा ले रहे हैं, तो 15 का 125 हो जाएगा। 25% ज्यादा मतलब जो टोटल टाइम होगा वो 125/100 हो जाएगा, 100 उसमें जुड़ जाएगा, यानी ये लिखा है 5/4, या मैं सीधा बोल सकता हूँ 15/75/4 घंटे लेंगे। अभी इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। एलसीएम मेथड पे हम लगाएंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि एक्स प्लस वाई 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 75/4, ऐसे स्ट्रक्चर खींचेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाता है, डिनोमिनेटर का एससीएफ, तो 15/75 का एलसीएम 15 हो जाएगा और 4 और 1 का एससीएफ 1 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे 75/15 करेंगे ताकि हमें यहाँ पे क्या पता चल जाए, कार्यक्षमता। कार्यक्षमता निकालने के लिए हम टोटल कार्य जो मिलता है, टोटल कार्य होता है, टोटल कार्य को उसके द्वारा लिए गए समय से भाग दे देते हैं। तो 75/15 क्या आ जाएगा, 5, और 75/75/4 एक बार देख लीजिए, 75/75/4 ये 4 ऊपर आ जाएगा, 75/75 कट जाएगा। यानी कि जो इन दोनों पाइप की कार्यक्षमता है वो 5 है और तीनों मिलके कर रहे हैं तो कार्यक्षमता 4 है। आप देख पा रहे होंगे कि इससे एक कार्यक्षमता ये कम है जबकि यहाँ पे तीन लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि जो जेड है वो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, वो काम बिगाड़ रहा है, तो इसलिए उसकी इफिशियंसी क्या होगी, माइनस में होगी। तो हम 4 में से 5 को माइनस कर देंगे तो जेड की इफिशियंसी, देखो एक्स प्लस वाई जेड में से एक्स प्लस वाई को माइनस कर देंगे तो केवल जेड बच जाएगा, तो जो जेड की इफिशियंसी है 4 - 5 यानी कि -1 आ जाएगी। तो जेड की इफिशियंसी -1 है मतलब इसकी कार्य क्षमता 1 है, माइनस बता रहा है कि यह काम बिगाड़ रहा है मतलब कि टंकी से पानी खाली कर रहा है। तो टंकी कितने लीटर की है, कार्य जो है 75 लीटर की टंकी है और ये 1 के स्पीड से करेगा, इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो इसके द्वारा लिया गया समय 75/1 यानी कि 75 घंटा लगेगा समय। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डी में आपका 75 दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर 75 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12:05 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आने वाले अगले दो क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन के हैं, हालांकि यूपी ट्रिपल एससी में मैथ सेक्शन में
क्लॉक और कैलेंडर से भी क्वेश्चन डाल देता है, जैसा कि आपने युवा कल्याण के पेपर में भी देखे हैं। तो जो ये पेपर सेट किया गया है, एकदम जो पेपर सेट हो रहा है उसके पैटर्न पे सेट किया गया है, इसलिए इस सेक्शन में भी रीजनिंग के क्वेश्चन डाले गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी मिलेंगे जहाँ पे आपको रीजनिंग वाले सर अच्छे से बताएंगे। एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ओवर थ्रू, केवल लैंग्वेज के थ्रू, कि कैसे क्या होगा। बाकी आपको डिटेल सोल्यूशन आपको रीजनिंग वाले सर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो आपको बता देंगे। 12:05 घंटे की सुई और मिनट की सुई, ये 12:05 हो रहा है, इसके बीच का कोण पूछ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पूरा एग्जैक्ट नहीं होता, ये भी थोड़ा सा, ये घंटे की सुई टिल्टेड आ जाती है जब ये थोड़ा खींचेगा, तो जाहिर सी बात है ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम कैसे हो जाएगा, आप जानते हो कि एक घड़ी में पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर हम सारा डिवाइड करें तो इसमें कितना मिनट होता है, टोटल 60 मिनट होता है, यानी कि 360/60, इसका मतलब कि एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है। कौन? मिनट की सुई। मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और जो घंटे का सुई होगी वो 360 डिग्री को 12 के फ्रैक्शन में, क्यों 12 घंटे में 360 घूम जाती है ना, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि एक बार घंटे की सुई कितना बनाएगी एक घंटे में 30 डिग्री का ये कोण बनाएगी। तो हम इसके मदद से, भाई ये जो 30 डिग्री का कोण है ये कितने घंटे में, एक घंटे में है, यानी कि 60 मिनट में है, घंटे की सुई की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री 60 मिनट में, तो एक मिनट में कितना बनाएगा 30 डिग्री/60, यानी कि कितना आधे डिग्री का कोण बनाएगी। जहां पे मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, वहीं पे घंटे का सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। तो 12:05 पे है, ये 12 पे है, टाइम कितना हो रहा है, मिनट कितना हुआ 5 मिनट, तो एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5×6 यानी कि 30 डिग्री। और आप देखो 5 मिनट हुआ है, तो एक मिनट में आधा डिग्री, तो 5 मिनट में घंटे की सुई कितना बनाएगी 5×0.5 यानी कि 2.5 डिग्री, और ये 2 डिग्री इससे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी कि जो उत्तर आएगा 30 डिग्री-2.5 डिग्री क्या आ जाएगा 27.5 डिग्री। इसका आपको बहुत अच्छा मेथड आपको रीजनिंग वाले सर बताएंगे ताकि आप इसे और भी क्विक कर पाओ। अभी जो इसका उत्तर है वो 27.5 डिग्री का कोण बनाएगा, जो कि आपका ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त काटा जाए तो वर्ग का शेष क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, एक बार हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, वर्ग आप जानते हो ऐसे बनता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी जो एक भुजा है ये 20 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है सारी भुजा इसकी 20 सेंटीमीटर होगा। इसमें से एक अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त काटा जाता है, अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त तब होगा जब वो उसके सारे साइड को छुएगा। तो इसका जो व्यास होगा, इसका जो डायमीटर होगा, इसके साइड के बराबर होगा, तो साइड तो 20 सेंटीमीटर है, तो व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बस ये यही पूछ रहा है कि अगर इस वर्ग से ये वृत्त काट लिया जाए तो शेष बची जो क्षेत्रफल है ये कितना बचेगा। तो आप देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 20×20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, आप जानते हो, तो पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस है 10×10 यानी कि 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बचा हुआ कितना, 400 में से 314 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन बी सही था। कई बार पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत आसान मिल जाते हैं जो आपके टाइम भी बचाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। हर पेपर का जो मॉड्यूल होता है वो कम से कम 30-35% क्वेश्चन इजी होता है, 30% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का होता है 40% 30 से, और बाकी जो बचा है वो आपका 30% से 35% थोड़ा अबर देन मॉडरेट या टफ लेवल का होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस इन दोनों पे होना चाहिए, टफ लेवल का जब आपके पास समय बचता है तब भी आप क्वेश्चन
कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 आसान क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट का यूज लिया है, ठीक है ना, घात का। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, लग गया होगा बहुत बच्चों से, जिनसे नहीं लगा वो भी आप देख लेंगे कैसे लगेगा, इसके लगाने का तरीका क्या होता है। दिया हुआ है क्वेश्चन 7 की पावर 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 343। तो घातांक का नियम कहता है कि दोनों तरफ बराबर तब होगा जब दोनों का बेस सेम होगा। तो 343 और कुछ नहीं, ये 7 की पावर 3 लिखा है, तो हम इसे 343 को 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। बीच में इक्वल का साइन है, तो ये दोनों बराबर तब होंगे, क्योंकि ये तो बराबर है, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये और ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 5x माइनस 4 बराबर 3, तो 5x बराबर हो जाएगा 7, तो x बराबर हो जाएगा 7/5। आपको यही निकालना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन बेस्ड है। एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्क्रीन पे है आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि टेन ए बराबर 5/12, आपको एक समीकरण दिया हुआ है, 1 sin a into 1 cos a upon 1 sin a into 1 cos a, ये निकालना है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका, अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और उसमें अल्टीमेटली अपना समय बर्बाद करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन के लगाने का सबसे सही तरीका है कि टेन ए बराबर 5/12 दिया है, तो हम ट्रेंगल बना लेंगे, ये एंगल ये है, टेन बराबर आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस्ड, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और जानते हो कि 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है एक 5 है एक 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू है उसे हम रख के निकाल लेंगे, तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है 5/13, तो 1 + 5/13, फिर कॉस ए की वैल्यू क्या होगी 1 + 12/13, फिर ऐसे ही 1 - 5/13 और ऐसे ही 1 - 12/13। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा ये 56.25 आएगा, ये आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।